जुलाई का जो महीना आने वाला है आप लोगों के लिए, जुलाई के महीने को आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हो? आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप, आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और कौन कौन से परिवर्तन, बहुत बड़े जो परिवर्तन हैं इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हमने अब चार्ट लिया है मीन लगन का। मीन लगन के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आपका अगर मीन लगन है तो कुछ इसी प्रकार से, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ग्रहों की स्थिति आपको कुछ यही देखने को मिलेगी जुलाई महीने के दौरान। अब बात करेंगे इस स्थिति के हिसाब से आप क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने लिए, स्वयं के लिए इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले हम ग्रहों की गोचरी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों में अगर देखें तो बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का गोचर देखेंगे तो 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 19 जुलाई तक कर्क राशि में होगा, इसके बाद ये भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 7 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर मेष राशि में होगा, 12 जुलाई से इनका प्रवेश वृषभ राशि में होगा। गुरु वृषभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, और ये 1 मई से अपना गोचर चेंज किए थे, पहले मेष राशि में थे, अब ये वृषभ राशि में बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक रहने वाले हैं। तो गुरु का गोचर वृषभ में ही है और ये हाल ही में इंटर किए हैं, तो इनका गोचर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस बार। शनि का गोचर कुंभ राशि में है, लेकिन शनि इस महीने में वक्री हमें देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 जुलाई को मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। इसके साथ साथ राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। राहु जहां मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से जो रिजल्ट है आपको वो क्या क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश के बारे में बात करते हैं। लग्नेश आपके गुरु हैं और गुरु आपके 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब देखिए, गुरु का जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में वृषभ राशि में गुरु का गोचर है, तो आप इस समय में कोई अगर क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप खुद की मेहनत से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आपको विदेश जाना है, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना है, कैरियर को देखना है, बिजनेस को देखना है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अब तीसरे भाव का गुरु है तो तीसरे भाव का गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएगा, एफर्ट करवाएगा आपसे, लेकिन ये ज्ञान के आधार पर जो मेहनत हम करते हैं वही करवाएगा। तो यहाँ पे आप फिजिकली कितना ज़्यादा एक्टिव हैं और मेंटली कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, क्या आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने के साथ साथ अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान दे रखें अभी या नहीं दे रखें, या आपकी मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ख़राब है? आप जितने ज़्यादा मेंटली स्वस्थ होंगे उतना ही ज़्यादा आपको गुरु के इस गोचर में फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बहुत सही समय पर निर्णय ले सकेंगे और उस निर्णय पर काम करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। गुरु का तीसरे भाव में गोचर है तो ये समय में आपको ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, इधर उधर की कोई यात्रा करना और सटीक निर्णय लेना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अब गुरु यहाँ से अगर हम देखें तो, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी बनते हैं, ऐसे में इस समय ये स्थिति है कि आपको आपके कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। आप इस समय अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही ये भाव है वो कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन का हाउस होने की वजह से मेनली आपको अपनी खुद की स्किल्स पे, अपनी खुद की काबिलियत पे, अपने खुद के कम्युनिकेशन पे फोकस देना है। अब गुरु की अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो गुरु सबसे पहले यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को, जहाँ पर केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं आपके 7वें भाव में। ऐसा गुरु वैवाहिक जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर आएगा। ये समय में आपका रिश्ता फिक्स होने या मैरिज होने के चांसेस भी बहुत अधिक रहेंगे। ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को हो सकता है इस समय काफ़ी ज़्यादा समस्या से आप गुजर रहे हैं और कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से, गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी और ऐसे में जीवन साथी के साथ एक बेहतरीन सामंजस्य आप बना पाएंगे। गुरु का दृष्टि 7वें भाव पर है तो आप अपने बिजनेस पर्पज़ से कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो। आपका अगर फॉरेन से कनेक्शन है तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ आपका अपने बिजनेस में पार्टनरशिप है या खुद का ही बिजनेस है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर खुद का बिजनेस है तो आप ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा आपको पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। उसके बाद गुरु यहाँ इस पर कर रहे हैं 9th हाउस को।
नाइन्थ हाउस को जब इस प्रकार से गुरु एस्पेक्ट करेंगे, ऐसे में आपके उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। इस समय अपने हायर एजुकेशन को लेकर आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। ये समय ऐसा समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद की स्किल के बेस पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप वो सब सीख सकते हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप अपनी काबिलियत को अपने खुद के एफर्ट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो कुछ हद तक आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और आध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ ये गुरु का संबंध नवम भाव से बन रहा है, तो कोई आपको विदेश यात्रा करनी है, कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी है अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, आप वो भी कर पाएंगे। गुरु का फिर दृष्टि है आपके ग्यारहवें भाव पर। ग्यारहवें भाव पर गुरु का दृष्टि बेहद अहम दृष्टि है। यहाँ गुरु आपको मदद करेंगे आपके लिए नए धन के स्रोतों को खोजने में। आप अपने धन को कैसे मैनेज करते हैं, धन के प्रति आपकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, आप धन को लेकर कैसे निर्णय ले सकते हैं, यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट है। तो निश्चित रूप से आपको आपके नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका अगर बिजनेस है तो ये गोचर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि दूसरे भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ इनका युति है। मंगल जो कि अपनी खुद की राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फैमिली से कम एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेंगी। इस समय कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा धन लाभ हो सकता है जो काफ़ी सडन होगा, काफ़ी क्विक होगा। इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ कोई बहुत लंबे यात्रा का प्लान कर रहे हैं, कोई बहुत लंबा टूर करना चाहते हैं, तो इस समय आप प्लान कर सकते हैं। हालांकि मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा मंगल के साथ रहेंगे तो ये आपको फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकता है। फैमिली का कोई मेंबर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, काफ़ी सडन आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। इस मामले में आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से मंगल की एनर्जी को यूज करिएगा। अब मंगल यहाँ पर हैं तो मंगल सबसे पहले देखेंगे आपके पंचम भाव को, जहाँ पर वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन फिर भी आप अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा भय भी व्याप्त रहेगा, तो यहाँ आपको लॉस होने का खतरा भी रहेगा। मंगल की दृष्टि है तो ये निश्चित रूप से संतान के साथ संबंधों को बिगाड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो संतान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मंगल की ये दृष्टि की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सोचना और तेज़ निर्णय लेने के लिए ज़रूर मदद करेगी, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए वास्तव में, क्योंकि ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज हैं। मंगल की ये दृष्टि वास्तव में आपको काफ़ी तेज़ी से काम करने के लिए भी प्रेरित करेगी और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता आपके अंदर डेवलप करेगी। उसके बाद मंगल का जो यहाँ से दृष्टि है वो आपके आठवें भाव पर है। आठवें भाव पर मंगल का दृष्टि का होना यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ या कुछ धन का नुकसान दे सकता है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी सौदा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। पैतृक संपत्ति में आपको जरूर फायदा हो सकता है, इन लॉज की तरफ से आपको थोड़ा सा कम फायदा या कम सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद मंगल यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवम भाव को, जहाँ वो आपके उच्च शिक्षा में योगदान करेंगे, आपको लंबी दूरी की यात्रा में सपोर्ट करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इसके बाद मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव में स्थित होंगे। तीसरे भाव में मंगल की ये स्थिति 12 जुलाई से बनेगी। 12 जुलाई के बाद ये देखेंगे कि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं किसी भी काम में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, खुद के बल पे चलने वाले होंगे, खुद के बल पे काम करने वाले होंगे और अपने आप को एक ऐसी एनर्जी फील करवा पाएंगे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। भले ही आपने पहले बहुत कुछ खो दिया हो, पहले बहुत कुछ लॉस कर दिया हो, या आप अपने खुद के एफर्ट के बल पे कुछ करने जा रहे हैं लेकिन आपको असफलता मिल गई हो, ऐसे में यहाँ पर मंगल का तीसरे भाव में होना आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब ऐसा मंगल आपके लिए सडन कोई लंबी दूरी की यात्रा लेकर आ सकता है। ऐसा मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट रहेगा आपके छठे भाव पर, जहाँ पर मंगल आपको दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं के साथ साथ आपके करियर में जितने भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, आपको अपने कलीग से, अपने बॉस से जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने में हमेशा यहाँ सहायता करेगा। मंगल का एस्पेक्ट यहाँ रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अपने शत्रुओं को पराजित करने में मदद मिलेगी, आपको शत्रुओं से नुकसान नहीं होगा। आप अपना लोन वगैरह ले रखे हैं कहीं, या कोई ऐसे रिस्क जीवन में ले रखे हैं तो उससे बहुत आसानी से निपट सकेंगे। इसके साथ साथ आप थोड़े उग्र अवश्य रहेंगे,
थोड़ी अधीरता भी आपके अंदर उत्पन्न होगी हर काम के लिए, लगभग आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। फिर मंगल का एस्पेक्ट रहेगा नवम भाव पर और आपके दसम भाव पर। ऐसा मंगल आपको नवम भाव और दसम भाव से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मंगल का एस्पेक्ट आपके नवम भाव पर होने की वजह से ऐसे में पिता के साथ थोड़े मतभेद नज़र आ सकते हैं। अपने गुरुजनों के साथ आप कुछ बातों को लेकर असहमत रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस समय आप अगर कुछ नया सीखने पर फोकस करें या कुछ नया प्राप्त करने पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए वास्तविक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा संतान के मामलों में या खुद के एफर्ट के मामलों में। जितना एफर्ट आप करेंगे उतनी आपको जरूर यहाँ पर सहायता और सफलता मिलेगी। फिर मंगल का दृष्टि जो कि दशम भाव पर रहेगा, मंगल का दृष्टि दशम भाव पर है तो ये निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट करेगा। आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, किसी भी प्रकार के अन्य क्षेत्र में हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको यहाँ पर मंगल का सपोर्ट बेहद अच्छा मिलने वाला है। तो मंगल यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए आपके लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि आप कोई भी टारगेट जो आपने बना के रखा हुआ है उसको आप सही समय पे अचीव कर सकेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव और आपके आठवें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ सूर्य के साथ शुक्र रहने वाले हैं। 7 जुलाई तक इनकी स्थिति यहाँ पर रहेगी आपके चतुर्थ भाव में, जहाँ पर वो सूर्य के साथ युति करते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में शुक्र आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके घर परिवार के कार्यों में सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने घर के जो कार्य हैं थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। आप अपने घर के कार्यों के लिए अपने घर को सजाने, उसको डेकोरेट करने और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा देख सकेंगे। हालांकि यहाँ पर शुक्र कुछ कम दिनों के लिए ही मिथुन राशि में रह रहे हैं, 7 जुलाई तक ही, लेकिन 7 जुलाई तक आपका कोई बहुत बड़ा काम घर से संबंधित है जो बन सकता है। शुक्र का यहाँ होना वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा लक लेकर आएगा, आपके लग्जरी संबंधी मामलों में, धन संबंधी मामलों में। इसके साथ साथ आप कोई प्रॉपर्टी जैसा सौदा कर रहे थे, आप कहीं अपना खुद का घर खरीद रहे थे, इन मामलों में शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, ऐसे में आप अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाएंगे घर से जुड़े हुए कार्यों और अपने करियर में। शुक्र क्योंकि आठवें भाव के स्वामी हैं, आठवें भाव के स्वामी होकर जब शुक्र यहाँ स्थित हैं तो ऐसे में आपको आपके पैतृक संपत्ति से और अपने इनलॉज से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि आपका जो घर परिवार के सदस्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है थोड़ा सा यहाँ पे भंग हो सकता है, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ जब भी होते हैं थोड़ा ईगो प्रॉब्लम दे देते हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा आपके दशम भाव पर, जहाँ पर वो आपकी काबिलियत की वजह से, आपके खुद के एफर्ट की वजह से आपको पॉपुलैरिटी देंगे, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये दिलवाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से शुक्र अपना राशि बदल लेंगे। शुक्र 7 जुलाई से फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि बुध हैं तो ऐसे में आपको कोई प्रेम संबंध देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। एक अच्छे लवर की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है, आपके एक लव लाइफ की एक अलग से स्टार्टिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्टिंग हो सकती है। यहाँ स्थित शुक्र आपको क्रिएटिविटी के मामलों में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा का घर होने की वजह से यहाँ पर शुक्र बहुत ही ज़्यादा बेटर फील करेगा। आप खुद के अंदर एक अच्छी काबिलियत डेवलप कर पाएंगे, आपका गीत संगीत या ऐसे कोई मनोरंजन के क्षेत्र की तरफ भी रुझान रह सकता है। यहाँ स्थित शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा धन लेकर आएगा, आपके कुछ क्रिएटिव वर्क की वजह से आपके लिए फ़ायदा लेकर आएगा। शुक्र यहाँ से एस्पेक्ट करेगा आपके लाभ स्थान को, जहाँ पर वो आपके लिए धन के बहुत सारे स्रोत लेकर आएगा, आपको बहुत सारा दोस्तों से फ्रेंड्स से सपोर्ट लेकर आएगा। शुक्र का यहाँ स्थित होना ये दिखाता है कि आप अपने जीवन साथी से थोड़ा असंतुष्टि जरूर फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप रोमांटिक लाइफ जीने की कोशिश करेंगे यहाँ पर शुक्र के होते हुए। इसके साथ साथ आप धन का, पैसे का बहुत अच्छे से आनंद ले सकेंगे। शुक्र का एस्पेक्ट जो कि आपके लाभ स्थान पर रहेगा, ऐसे में शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और पॉपुलैरिटी गेन करने के मामले में अच्छे रहेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके आठवें भाव के भी स्वामी बनते हैं। आठवें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको रिसर्च और अकल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि देंगे। इसके साथ साथ आपको सडन गेन दे सकते हैं, आपको धन लाभ दे सकते हैं। ये यहाँ पर शुक्र का आना ये दिखाता है कि आप अपनी काबिलियत का, अपनी क्षमता का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही अधिक यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं
और बुध आपके सातवें भाव के भी स्वामी बनते हैं कुंडली में। अब 19 जुलाई तक ये कर्क राशि में है, कर्क राशि में बुध है, तो देखिए पांचवें भाव का बुध है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से निर्णय लेने में मदद करेगा, सटीकता से सोचने में मदद करेगा, आपकी निर्णय प्रक्रिया, आपकी निर्णय प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और काफ़ी फास्ट डिसीजन आप ले सकेंगे। लेकिन मेनली पंचम भाव का बुध है तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाता है, आप एक साथ बहुत सारे विषयों पर सोच सकेंगे, समझ सकेंगे और क्विकली आप एनालाइज कर सकेंगे। अगर आप कोई मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हैं, फाइनेंस से कार्यों से जुड़े हैं या आप सीए वगैरह हैं तो आपको इसमें और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। बुध का यहाँ स्थित होना आपके लिए कुछ धन के नए अवसर लेकर आएगा। आपको ये स्थिति में बुध आपके कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करने के साथ साथ आपके घरेलू जीवन में और आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बुध हैं वो सातवें घर के भी स्वामी हैं, सातवें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय आपके लिए बुध ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर सकें अपने डिसीजन के द्वारा। इसके साथ साथ आपको बुध ये भी बता रहे हैं कि आपको किस समय कौन सी बात किसको कहाँ कैसे बोलनी है, यानी आप थोड़े चापलूस टाइप के भी रहेंगे इस दौरान, लेकिन अपनी चालाकी का भी पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। बुध का यहाँ होना वास्तव में आपको बहुत ही सही और सटीक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। बुध का एस्पेक्ट जो कि लाभ स्थान पर है, इस वजह से आपको मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू बुध धन गेन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब बुध यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध की ये जो स्थिति बनेगी सिंह राशि में लगभग 19 जुलाई के बाद बनेगी। 19 जुलाई के बाद की स्थितियों में आपको आपके कार्य क्षेत्र में बुध बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सिंह राशि में बुध रहेंगे और छठे भाव में रहेंगे, ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं अपने करियर में, जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसी दुविधा आ गई है जहाँ पर आप एकदम से स्टक हो गए हैं या आपको कोई ऐसी चुनौती आ गई है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ऐसे में आपको बुध कोई ना कोई वो ट्रिक प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आप जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकें और जिस भी समस्या को अभी आप फेस कर रहे हैं उस समस्या से तेज़ी से निकल सकें। यहाँ पर बुध क्योंकि अब आपके सातवें भाव के भी स्वामी हैं, ऐसे में बिजनेस से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा। पार्टनरशिप में थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तू तू मैं मैं देखने को मिल सकती है। जीवन साथी से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन उस प्रकार का सपोर्ट आप जैसा कि सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से, वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा असंतुष्टि का कारण भी बन सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इस मंथ के शुरुआत में वो आपको देखने को मिलेंगे आपके दूसरे भाव में, जहां पर वो मंगल के साथ युति करके रहेंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए शुरुआती लगभग तीन दिन तक आप कोई भी ऐसी स्थिति का शिकार ना हो जहां पर आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़े, आपको कोई गलत डिसीजन लेना पड़े, आपको किसी ने कोई फोर्स कर दिया किसी काम के लिए और क्विकली आपको वो काम करना पड़ रहा हो। आप एकदम आराम से सोच समझकर ठंडे दिमाग से काम करिएगा। यहाँ पर चंद्रमा मंगल के साथ होते हुए आपके एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। धन संपत्ति में हालांकि ये काफ़ी फायदा दे सकते हैं, लेकिन आपका डिसीजन कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से गलत हो जाता है। ऐसा चंद्र और मंगल आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट डेवलप करेगा, ये एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अब चंद्रमा क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से किसी भी विषय पर आपके दो मत हो सकते हैं, जहां पर आपको ये चुनने में कठिनाई होगी कि आप कौन सा मत को चुनें या कौन सी साइड को चुनें, ऐसे में आप पॉजिटिव साइड में जाएँ या नेगेटिव साइड में जाएँ। और चंद्र मंगल जब भी मिलते हैं ऐसी कंडीशन में आपके मन पर चंद्रमा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ने के बजाय मंगल का बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में कुछ मामलों में हालांकि चंद्रमा पर मंगल का जो प्रभाव है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये मंगल का घर है, ऐसे में चंद्रमा पर मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसले लेने हैं। उसके बाद यहाँ से चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होकर चंद्रमा जाएंगे आपके तीसरे भाव में, जहां पर वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या किसी ऐसे काम में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना और गुरु के साथ युति करना ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है किसी भी विषय को सीखने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए और लाइफ के लिए आगे के गोल्स बनाने के लिए, आगे के प्लान्स बनाने के लिए। यहाँ चंद्रमा का गुरु के साथ मिलना ये आपकी खुद की काबिलियत को बढ़ाएगा,
आप किसी भी विषय को बहुत जल्दी सीख सकेंगे, किसी भी विषय पर अपने विचार बहुत जल्दी व्यक्त कर सकेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा तो पांचवें घर के स्वामी हैं ही, तो ऐसे में अब आप अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए निर्णय ले सकेंगे। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा आपके फोर्थ हाउस में, जहाँ पर वो मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और घर के परिवार के कार्यों में भी आपकी उतनी ही ज़्यादा रुचि यहाँ रह सकेगी। फिर चंद्रमा अपने खुद के घर में रहेंगे, जहाँ पर वो पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में इनका प्रवेश बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने घर में रहेंगे, ऐसे में संतान के साथ एक बेहद अच्छा रिलेशन ये आपको दे सकते हैं। ये स्थिति लगभग 6-7 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपके काम करने की प्रवृत्ति को वो प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी बनते हैं, छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में अगर हम इनका गोचर देखेंगे तो 16 जुलाई तक ये मिथुन में ही है। ऐसे में 16 जुलाई तक आप अपने कैरियर में कोई बड़ा चेंज देख सकते हैं। अपने कैरियर के लिए कोई आप स्पेशल प्लान कर रहे हैं तो आप वो इस समय लागू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर सूर्य का संबंध दसवें भाव से है, तो ये छठे और दसवें भाव को सीधा यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो छठे भाव का इम्पैक्ट है वो आपके दसवें भाव पर अवश्य ही आएगा। ऐसे में हो सकता है आप किसी बाधा से जूझ रहे हों, किसी समस्या से जूझ रहे हों अपने कैरियर के मामलों में या अपने प्रोफेशन में, वहाँ पर आपको सूर्य एक अलग राह दिखाने वाले हैं। ऐसे में सूर्य आपके प्रमोशन के लिए, आपके जॉब वगैरह के चेंज के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इसके अलावा सूर्य आपको अगर कैरियर में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा कड़ा फैसला आपको लेना है, उसको लेने के लिए सूर्य यहाँ जिम्मेदार रहेंगे। सूर्य उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। सूर्य का यहाँ प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ हद तक आपके कामों में सटीक निर्णय हो पाएंगे, कुछ धन के नए रास्ते बन सकेंगे। धन के रास्तों के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा सटीकता से सोच सकेंगे, सटीकता से निर्णय ले सकेंगे और उस निर्णय पर बहुत जल्दी अमल भी कर सकेंगे। सूर्य का दृष्टि रहेगा आपके 11वें भाव पर, जहां पर सूर्य आपको धन के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। आपको किसी भी मामले में सूर्य यहां पर सपोर्ट देंगे, जिस भी मामले में आपको सूर्य यहां सपोर्ट करेंगे उनमें धन के मामले तो हैं ही हैं, साथ में आपके नेटवर्क को भी सूर्य बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाले हैं। सूर्य का दृष्टि 11वें भाव पर है तो आपको अर्निंग का कोई नया मौका मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है। आपकी खुद की काबिलियत की वजह से, आपके खुद के एफर्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है आपकी, क्योंकि जो आपकी नेचुरल पावर होगी, जो आपका नेचुरल टैलेंट होगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम आने वाला है। अब यहाँ संतान के साथ थोड़ी ज़रूर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य छठे घर के स्वामी हैं। ऐसे में संतान के साथ आपके संबंध थोड़े बहुत यहाँ बिगड़ भी सकते हैं, तो सूर्य का गोचर भी आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, शनि का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। अब ये वक्री स्थिति में आ चुके हैं, वक्री स्थिति का शनि है तो निश्चित रूप से आपके कुछ धन के जो खर्चे अभी तक बहुत ज़्यादा हो रहे थे उनको थोड़ा कम करेगा। ऐसा शनि आपके कार्यों में डिले नहीं देगा, बिल्कुल भी डिले नहीं देने की वजह से निश्चित रूप से यहाँ पर आपके कार्य काफ़ी तेज़ी से बनेंगे। जो भी लोग मीन लगन जिनका भी है, अगर विदेश में सेटलमेंट को देख रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए देख रहे हैं, तो इस समय प्लान कर सकते हैं। आप थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आप इस समय जरूर प्लान करें। इसके साथ साथ आपके धन के जो खर्चे होंगे वो सही कार्यों के लिए होंगे, आप बहुत ही सोच समझकर और कैलकुलेटेड तरीके से पैसा खर्च करेंगे। अब शनि यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता देने वाले, क्योंकि देखिए वैसे तो अगर देखा जाए इनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जहाँ पर वाणी स्थान पर दृष्टि है तो आपको बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता था पहले, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ आसानी से बोल सकेंगे, अपनी बात को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकेंगे। शनि का दृष्टि आपके छठे भाव पर है, ऐसे में जो भी बाधाएं आपको आ रही थी कैरियर को लेकर, अपनी डेली लाइफ को लेकर, उन सबको यहाँ पर शनि दूर करने वाले हैं और शनि आपके कैरियर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा भाग्य स्थान पर भी इनकी दृष्टि है, भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होने की वजह से ये निश्चित है कि आपका भाग्य हो सकता है अभी तक साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप भाग्य से कुछ उम्मीद अवश्य ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी ग्रहों के बारे में अभी बात की, राहु और केतु के बारे में हम अभी कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले हम अच्छे दिनों की बात करेंगे। मीन लगन वालों के लिए अगर अच्छे दिनों को देखा जाए तो 1 से 3 तारीख तक,
6 से 8 तारीख तक, फिर 19 से 22 तक और 27 से 30 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद खास और बेहद अच्छे रहने वाले हैं। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस भी काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन कार्यों को आप इन दिनों में विशेष रूप से प्लान करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। खराब दिनों की यहाँ पर बात करें तो चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा 9 और 10 को, ये समय आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इस समय में आपकी डेली लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिखेगी। इस समय आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है धन वगैरह को लेकर। किसी को भी अगर आपने पैसा दिया, अगर उधार में पैसा दिया है या कोई धन को लेकर कोई गलत डिसीजन लिया है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा आगे चलकर परेशान कर सकता है। आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आपको कलीग से, अपने बॉस से काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। चंद्रमा का जब प्रवेश होगा लिब्रा में यानी तुला राशि में 14 और 15 को, ये स्थिति बनेगी। ऐसे में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे आप लोग। इसके साथ साथ धन को लेकर कोई बहुत बड़ी स्थिति में बदलाव हो सकता है, जैसे कि आपके पास कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, या अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान झेल लेंगे। यहाँ पर चंद्रमा का होना वास्तव में चंद्रमा आपको मेडिटेशन या आध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगा। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 12वें भाव में, जहां पर वो 23 और 24 तारीख को रहेंगे। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, ऐसे में थोड़ा सा निर्णय लेना कठिन हो जाएगा, कोई भी काम करना इतना आसान नहीं रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा भय लगने लगेगा। तो 23 और 24 को कोई भी बहुत बड़ा फैसला जो आपको आगे के लिए लेना है, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, उसको आप स्किप कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल हम सारी चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।